ज्ञान बापी मस्जिद पूजा पाटल अनुमति दियार पासते गरजी उठी से मुसलमान पक्ष एबार मुसलमान पक्ष उच्च न्यायालय द्वारस्थ हब नामाजर अनुमति विचार उच्च न्यायालय द्वारस्थ हब मुसलमान पक्ष आम डर खबर जी त्रिस बसर पास ज्ञान बापी मस्जिद लृहत रायदान दी न्यायालय ज्ञान बापी मस्जिद आदालत रायर विरुद्धे जा मुसलमान पक्ष उच्च न्यायालय का चापी मुसलमान पक्ष ज्ञान बापी मस्जिद लृहत राय प्रदान कर आदालते ज्ञान बापी मस्जिद पूजा पाटल अनुमति दिया त्रिस बस पास अनुमति दिया आदालत तरफ सत दिन भर पूजा पाटल आरम्भ अनुमति दी काशी विश्वनाथ ट्रास बोर्डर जी आवेदन आवेदन शुनानी ग्रहण कर ज्ञान बापी चौहद पूजा पाटल करना त्रिस बस पास ज्ञान बापी पुनः पूजा पाटल आरम्भ हम और उन्नीस तिरानब्बे सन नवेम्बर माह शेष बार पूजा कर ज्ञान बापी मस्जिद आम डर खबर उच्च न्यायालय जी सिद्धान ग्रहण करान्तर विरोधित मुसलमान पक्ष और मुसलमान पक्ष उच्च न्यायालय द्वारस्थ हमारा सत दिन भर जीत ज्ञान बापी मस्जिद पूजा पाटल आरम्भ अनुमति दी न्यायालय जिला आदालते विशेष अनुमति प्रदान काशी विश्वनाथ ट्रास्ट बोर्डर उद्योग अनुमति अनुषित हम पूजा और काशी विश्वनाथ ट्रास्ट बोर्डर उद्योग पूजा अनुषित हम इतिम्य न्यायालय जाना ज्ञान बापी चौहद अवस्थित ब्याह तेखानार हम पूजा त्रिस बस पास ज्ञान बापी पुनः पूजा आरम्भ हम उन्नीस जी तिरानब्बे सनते पूजा बंध कर दिया ज्ञान बापी मस्जिद उन्नीस तिरानब्बे सन नवेम्बर माह शेष बार ज्ञान बापी मस्जिद पूजा कर त्रिस बस पास ऐतिहासिक सिद्धान ग्रहण कर न्यायालय न्यायालय रायदान प्रदान कर आवेदन शुनानी भित न्यायालय एक बृहत राय दी इसते उत्फुल्लित हिंदू समाज और ये जी न्यायालय रायदान रायदान यार विरुद्धे गई पुनः न्यायालय द्वारस्थ हम मुसलमान पक्ष जीतु सत दिन भर पूजा पाटल आरम्भ अनुमति दी न्यायालय और जानवरा मते काशी विश्वनाथ ट्रास्ट बोर्डर उद्योग अनुषित हम पूजा ज्ञान बापी चौहद अवस्थित ब्याह तेखाना हम पूजा त्रिस बस पास ज्ञान बापी पुनः पूजा आरम्भ पूजा पता हम इसते उत्फुल्लित हिंदू पक्ष और तार पाशते यार मुसलमान पक्ष इोधित उन्नीस तिरानब्बे सनते जी शेष बार ज्ञान बापी मस्जिद पूजा कर ज्ञान बापी मस्जिद पूजा बंध कर दिया और त्रिस बस पास बृहत सिद्धान ग्रहण कर ज्ञान बापी मस्जिद लृहत रायदान दी न्यायालय रायर विरुद्धे यार पुनः न्यायालय द्वारस्थ हम पूजा पाटल अनुमति विरुद्धे न्यायालय द्वारस्थ हम मुसलमान समाज एक कथा जाना अति शीघ्र न्यायालय द्वारस्थ हम मुसलमान समाज जीत आज दिन आदालते ऐतिहासिक राय दियार पाशते समग्र देशते इम्भ हो चर्चा ज्ञान बापी मस्जिद लेशजुरी चर्चा अब्याहत थकार समयते मुसलमान पक्ष तरफ जाना से पूजा अनुमति दियक पुनः न्यायालय द्वारस्थ हम मुसलमान समाज यह मुहूर्त आम हाथ मंत्य आए मंत्य आगे तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। बिल्कुल कैविट दाखिल करेंगे, कैविट दाखिल आगे मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविट फाइल करेंगे, हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविट फाइल करेंगे। हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष जी, बिल्कुल पूरी तैयारी। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें दो रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी कहता खाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इतिहामा बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसर का रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इतिहामा द्वारा अपना आपत्ति जताई गई, आज न्यायालय ने उसको स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर ऊपर टीका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। सालों से पूजा
का पार्ट बनता उस समय भी कोई लिखित आदेश आया? कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। देखिए देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। बादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कि अभी से भी हो सकता है।